हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर नए ब्लॉग वगैरह पर। मैं आपका अपना गोरा हूँ। तो शुरू करते हैं आज के एक नए ब्लॉग को। और देखिए, सुबह उठते ही मैं वो लोग बनाना शुरू कर दिया है और यार इतना बुरा हाल हो रहा है कि नज़ला जुकाम हो गया, गला भी बैठ रहा है मेरा। तो आवाज़ भी आप देख रहे हैं कैसी निकल रही है मेरी। मैं बारिश में भीग गया था ना, और अब भी बारिश आ रही है बहुत तेज़। पूरी रात से शायद बारिश पड़ रही है और जॉब पर भी जाना है। बस जॉब वालों का तो यही है, कैसे जाया जाएगा आज तो भाई। चलिए उठते हैं, बस अभी गर्म पानी पीकर मिलते थोड़ी देर में। गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ। मम्मी मेरा वो दे दो जी रेनकोट, बारिश पड़ रही है। मैं तो भूल गया था, बारिश अभी तो रुक गया जी। पैंट, हाँ पैंट भी दे दो। और अभी बस ब्रेकफास्ट करता हूँ क्योंकि 8 बज चुके हैं, 8:05 हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट में छोले चावल और लंच में भी छोले चावल सेम ही। और बस अब खा के चलते हैं, पापा जी बैठे। हेलो, राम राम जी बड़ों को, राम राम छोटों को, प्यार और आशीर्वाद। सुबह के 10:15 हो चुके हैं ये देखिए, और सारा काम फिनिश भी हो गया है आज, क्योंकि हम कान्हा जी का तो आज मैंने सुबह उठ कर 5:30 बजे नहा धो के कर दिया था। राधे राधे कान्हा जी, सबको आशीर्वाद दो कान्हा जी, जय माता दी। वर्षा ने तो बेचारी ना मेरे साथ में उठ कर पोछा पाचा भी सब कर दिया है फिनिश। अब तो ये पड़ी आराम कर, काम करके लेट गए फिनिश। और कपड़े भी सब धो चुके हैं बाथरूम से। मम्मी तो पायदान धोने लग रही है। पायदान ही मतलब मशीन में सारे आज कपड़े मशीन से धुले हैं, क्योंकि अब थोड़े थोड़े कपड़े सब धुले हैं सब। आज मैं पायदान भी धुल गया है। अरे देखो, पायदान साफ करने का नया तरीका, अपने को धुल के जब इसे निचोड़ना हो ना, साफ करना हो, पानी ना निकल रहा हो, ज़्यादा भारी हो, तो बाई कर लो और बाई पर से इस तरह सब मैल निकल जाएगा। देखा किसने बताया आपको? तेरे पापा ने। पापा जी ने यूट्यूब पे देखा ये। एक तरीका यह है भारी कपड़े जोड़ने का। पता जब हम छोटे छोटे थे ना वर्षा, तेरे से भी काफी छोटे। अच्छा। तेरी नानी कपड़े धोती थी बेचारी, तो तय अपने घर पे धुलती थी। हाँ जी। और जब उन्हें छेद मतलब कर देती थी, जब पानी जोड़ देना, तो उन्होंने कहा आइयो कोई थी। एक एक दो मतलब एक दूसरे की तरफ से पकड़ के और वैसे मोड़ना ना, अपोजिट साइड निचोड़ना। हाँ, ये ऐसा पैर से पानी सारा निकल जाता है। आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बिल्कुल ही घटा हो रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। अरे कपड़े तो धो दिए हैं, लेकिन सुखाए कहाँ हैं दिखाते हैं हम आपको। हमने कपड़े यहाँ पर सुखा दिए और फैन ऑन किया हुआ है। ये कपड़े जितने हैं काफ़ी सूख जाएंगे, काफ़ी हद तक सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि अभी काम फिनिश किया है ना, और सर्दी हो रही है, तो सोच रही हूँ थोड़ी धूप वगैरह निकल जाए उसके बाद नहा लूँ, लेकिन धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए मैं गर्म पानी करके तब नहाऊंगी। 12:45 हो चुके हैं, मतलब 11:45 जिसे समझ में ना है कि 12:45 क्या होते हैं। और मम्मी खाना बना रही है। आज पापा जी को ना जल्दी भूख लग गई, पापा जी ने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो आज इसलिए पापा जी बोल रहे हैं मुझे खाना खाना है, भूख लग गई है। इस टाइम तो हमारा नाश्ता ही चलता है। हाँ ये बात है, डेली इस टाइम नाश्ता चलता है, तो फिर भी जल्दी कर लिया क्योंकि मम्मी आज जल्दी उठ गई थी, जल्दी काम फिनिश कर लिया था, इसलिए अब तो मैं रहता है जल्दी कोशिश करेगी मम्मी अब जल्दी उठने की। गुड मॉर्निंग, अभी तो टाइम रह रहा 15 मिनट, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं बाबू को। क्या खा रही है पप्पा? गुड मॉर्निंग। ओ भाई इधर है ये इस लड़की को देखो, कहाँ जाएगी मेकअप करके, ये दिखा दो, देखो सुंदर लग रही। छोटी राखी सुन दो ले। कैसे कर रही दीदी? ऐसे कर रही दीदी। हेलो, छुट्टी पड़ गई कितने दिन की? 17 तारीख। 17 तारीख सही है। आप भी खाना खा लीजिए। खाना खा लो जी, पापा जी इनविटेशन दे रहे हैं आपको खाना खाने के लिए। कैसा टंग रहा ये देखो, कहाँ उतरे वो, कहाँ है पी पाओ नी है घर पे। तो गाइस 2 बज चुके हैं और मम्मी पापा जी मार्केट जाने की तैयारी कर रहे हैं, मौसम हो रहा है खराब,
ये देखिए पापा जी के बाल भाई जा रहे हैं, लगे हुए हैं। मम्मी मेकअप कर रही है और मौसम तो आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी, जैसे कल दिखाया था ना यहाँ से ऐसे दिखा दूँगी कल जैसे हो रहा। मैंने ना पोछा लगाया था सुबह, अब तक नहीं सूखा। यह दोबारा लगाया पता नहीं। और मौसम देखो अभी बादल वगैरह कैसा घुटा पड़ा है, जूते सुखाए गए भी आगे जो है। क्यों जा रही है मार्केट आपको बताती हूँ मैं, मतलब पापा जी और मम्मी दोनों जा रहे हैं क्योंकि एक तो टीम क्या हो गया, टीम लेके आनी है चादर, सीमेंट की चादर लेके आनी है और दीगे सूज लेके आए थे वे छोटे रह गए, वे बदल के आने हैं। और ये ना हमारा कुकर जो है खराब हो रहा है, सीटी नहीं आती, तो ये दो कुकर वापस करके कुकर लेके आएगी मम्मी, अच्छा वाला है ना, ले लो दूसरा ले आइयो मैं नॉन स्टिक। सही में ज्यादा वो नहीं आने, कल एक बार पूछ लियो, बाद में ले आइयो। हाँ मास्क ले लो, मास्क ये रही मास्क, ये तो बुरा वाले। ये चल दिए है दोनों, क्या रह गया पहन लो, यही मौसम खराब हो रहा, मैं गेट बंद कर लूंगी, जल्दी आ जाइयो, मैं बुला लूंगी किट्टू को, टाइम से आ जाइयो, बाय बाय जाओ। मम्मी और पापा जी आ गए यार, आते ही मूंगफली चबानी शुरू कर दी इन्होंने। मैं देखो भूख लगी, मैं खाना खाऊं। मम्मी तो बोल रही है मेरे लिए चाय बना दे, तो मैंने चाय तो रख दिया और मम्मी पापा जी लेके, मैंने खोल के ना देख लिए थे पहले ही, एक तो कढ़ाई लेके आई है और एक कुकर लेके आई है। कढ़ाई दिखाती हूँ आपको, नॉन स्टिक है हमारे ना, बड़ी बड़ी कढ़ाई थी तो छोटी नहीं थी, इसलिए छोटी लेके आई है मम्मी अच्छे से, अब जैसे का भी काम करेंगे। हाँ छोक वगैरह के लिए कुकर आया है, ये देखो ये कुकर है, और इसके साथ में ना एक एक्स्ट्रा ये दिया है हैंडल, हैंडल बोल लेना इसको पकड़ने वाला, अगर कभी 15-20 दिन में, क्योंकि हमसे तो जल्दी टूट जाता है, तो ये दो सामान लेके आई है। तो मैं चाय दे देती हूँ इनको, बाय बाय, मिलते हैं बाद में आपसे। सो गाइस 5:30 हो चुके हैं और मैं खा रही हूँ लड्डू, रूही का कहना डड्डू, बताओ ये सीधा ये बोलने लग रहा है कि मुझे डड्डू दे दो डड्डू, और मम्मी घी बनाने लग रही है, मलाई का घी बना रही है, मलाई हमने वो कर दी थी, घी नोनी बना दिया था इसका, और नोनी के बाद मम्मी तारी है इसको गरम करके, और इधर शक्कर की चाय बनने लग रही है, अभी दूध नहीं गिर रहा है इसमें, बस खदका रहे है, दूध गिरने के बाद इसको बंद कर देंगे नहीं तो फट जाएगी, वैसे फटती नहीं ना मम्मी जी, फटती नहीं। हाँ मम्मी बोल रही है खदकने के बाद भी नहीं फटती, पानी मम्मी पानी बंद कर दो वेस्ट होना। और आज बनेगी तारी, मैंने चावल तो साफ कर दिए है इधर, वो मसाला भी कर दिया, टमाटर मिर्च भी कर दिए, वैसे अभी 5:30 हुए ना, 7:30 या 8 बजे करीब हम खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि भैया भी लेट आएगा ना, अब तो लेट ही खाएगा क्योंकि अब वो जिम जाने लगा, 7:30-7:45 बजे तक आता है, फिर 9:30 बजे आता है घर पर जिम करके, तो उससे पहले तो खाना फिर कोई खाता नहीं, मैं ही खा लेती हूँ, ना पापा जी खाते ना मम्मी, इसलिए मैं खा लेती हूँ, इसलिए हम 8 बजे बनाएंगे खाना। और आज मट्ठा है, क्या है मट्ठा, मट्ठा है, इस कारण हमारे बनेगी खिचड़ी, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में कढ़ी तो बना नहीं सकते, ये कढ़ी सारी थी। तो ये रही मट्ठा और खिचड़ी इसी पर्पज से बन रही है, क्योंकि कढ़ी बना नहीं सकते, सर्दी है, जुकाम वगैरह कोल्ड हो जाएगा, तो फिलहाल आपसे बाद में मिलते हैं, थोड़ी देर हम टीवी वगैरह देख लेते हैं, या मैं खा लेती हूँ डड्डू। मम्मी ऊपर जा रही है और मैं अभी जा रही हूँ मम्मी के साथ में ऊपर, क्योंकि कपड़े सुखा दिए थे, बारिश तो आने रही थी, हवा चल रही थी, इसलिए सूख गए, सुबह तक सूख जाएंगे, ड्रायर से कर देंगे ना, थोड़े बहुत रह जाएंगे, नहीं सुबह तक हो जाएगा, देख लो अगर गिल्ले ना हो तो, रात में ऊपर छत पर आते डर लगे फिसलन की वजह से। धनिया बो रहा काम में जी, अच्छा पापा जी ने इसमें लहसुन बो के गए हैं, दिखाती हूँ आपको, लेकिन लहसुन की पत्ती अगर दिख जाए आपको, ये रही, निकाल दो क्या ना, पापा जी रुक के देंगे, पता अगर हो गया ना तो इसमें 2.5 किलो लहसुन हो जाएगा, इसमें मोज आ जाएगी, ये इसे पानी को बंद करने का,
किधर सोएगा इधर से। भैया की जर्किन सूख गई होगी, मशीन में करी थी ना, सूख गई। चलो तो भाई अब हम कपड़े उतारने के बाद जाते हैं नीचे। तो लेट गाइस, तो मैं घर आ गया हूँ और बस अभी थोड़ी देर पहले आया था और मैं बाहर से दवाई लेने गया था और बस अभी आज का व्लॉग यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि खांसी वगैरह जुकाम एकदम से भीगने की वजह से मेरा एकदम हालत ख़राब हो गई और बस अभी दवाई लेकर लेटूंगा और इसलिए आज जिम भी नहीं जा रहा, बहुत बुरा हाल था। तो सॉरी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जाने पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन को ऑप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर ऑन कर देना। तो अपने अपनी फैमिली ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। राम राम जी, जय बजरंगबली।